अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शबाना इजी किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन बिना ओवन या तंदूर के। इसके लिए हमें बस नॉर्मल घरेलू चीजों की जरूरत होगी। तो चलिए टेस्टी तंदूरी चिकन बनाते हैं। आज की रेसिपी के लिए हमने 2 किलो का चिकन लिया है। चिकन के ऊपर हम नाइफ से कट लगाएंगे जिससे मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। कट लगाने के बाद 2 नींबू का रस निकालेंगे, उसमें 1 कटोरी पानी मिलाएंगे और उसको चिकन के ऊपर और अंदर अच्छे से लगाएंगे और 5 मिनट के बाद चिकन को धो लेंगे जिससे चिकन की स्मेल दूर हो जाए। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 जायफल, 5-6 छोटी इलायची, 5-6 लौंग, 2 चक्रफूल, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जावित्री, 2 तेज पत्ते और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम अपना दूसरा पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए लहसुन, अदरक, टमाटर, कसूरी मेथी और दही। इन सबका हम पेस्ट बना लेंगे। अपने बनाए हुए पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसमें 3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिला लेंगे जो हमने बनाया था। उसके बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। स्वाद अनुसार 1 से 1.5 टीस्पून नमक मिला लेंगे। फिर 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। आखिर में 2 टीस्पून सोया सॉस के साथ 1 पिंच रेड फूड कलर डालेंगे और मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा मसाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो मसाला तैयार किया है उसको चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और 15 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने देंगे। अब हम 1 बड़ा पतीला लेंगे जिसमें हमें तंदूरी चिकन बनाना है। पतीले में 3 किलो नमक बिछाएंगे और उसके ऊपर 1 स्टैंड लगा देंगे। अब हम पतीले को हाई फ्लेम पर गरम होने के लिए रख देंगे। अब हम 1 प्लेट के ऊपर रॉक्सी फॉइल लगाएंगे और उस पर चिकन को रख देंगे। अब हम पतीले के अंदर स्टैंड पर 1 प्लेट रखेंगे और चिकन को रॉक्सी फॉइल समेत उठाकर उस प्लेट के ऊपर रख देंगे। आटे की 1 मोटी लेयर पतीले के किनारे पर लगाएंगे और ढक्कन से उसको कवर कर देंगे और उसके ऊपर ग्रेट रख देंगे।
एक घंटा हाई फ्लेम पर पकने के बाद हमारा चिकन तंदूरी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब चिकन को निकाल कर फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। अब एक दूसरे फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर लेंगे और गरम ऑयल को चिकन के ऊपर डालेंगे, जिससे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। हमारा तंदूरी चिकन बिना ओवन या तंदूर के बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा।